मोदी जी ने कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है, जो अपने मिथिलांचल के लिए, जो अपने बिहार के उत्तरी भाग के लिए एक निर्णायक फैसला है, और इससे अपने चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूरे के पूरे मिथिलांचल को बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक में माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजभूषण चौधरी जी, श्री जायसवाल जी, गोपाल जी भाई साहब ठाकुर जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, मिसेस लवली आनंद जी, श्री अशोक यादव जी और श्री सुनील कुमार जी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आपने कम शॉर्ट नोटिस पे सब ज्वाइन किया, आप सबका धन्यवाद। साथियों, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ये प्रोजेक्ट बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप इस स्लाइड में देखें, करीब करीब पूरा नॉर्थ बिहार हमारा, जो नरकटियागंज से लेके रक्सौल से लेके सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से दरभंगा और फिर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, ये पूरा का पूरा एरिया इससे कवर होता है। और ये लाइन की डबलिंग होगी और ये सेमी हाई स्पीड लाइन बनेगी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनेगी। और इसमें कई सारे ब्रिजेज हैं, करीब 40 से अधिक तो ब्रिज बनेंगे, क्योंकि अपना जो मिथिलांचल एरिया है इसमें बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे छोटी और बड़ी नदियाँ आती हैं। तो करीब 3 तो बहुत बड़े ब्रिज बनेंगे, 99 बनेंगे मेजर ब्रिज और 200 से अधिक बनेंगे माइनर ब्रिज, यानी टोटल 310 से अधिक ब्रिज और पुल इसके अंदर बनेंगे। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी की स्पीड रहेगी इस लाइन पे, और 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इस प्रोजेक्ट में। बड़ी रिवर है बागमती, इस पे बागमती पे बड़ा ब्रिज बनेगा। 46 है टोटल स्टेशन, 46 स्टेशन्स हैं जो इससे बेनिफिट होंगे, और 5 जंक्शन स्टेशन है। फिर करीब 10 फ्लाईओवर बनेंगे और 5 अंडरपास भी बनेंगे इस प्रोजेक्ट में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से अपने पूरे उत्तर बिहार के लिए, पूरे मिथिलांचल के लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा लाभ आएगा। अगर आप इस स्लाइड को आप देखें तो नॉर्थ बिहार में पोर्ट से कनेक्टिविटी कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा अपने सबके सामने चैलेंज था कि अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, अगर कोई कार्गो टर्मिनल बनाना चाहे तो पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, अगर कोई बड़ा इकोनॉमिक एरिया बनाना चाहे तो पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दिनों पहले कैबिनेट में कई मिसिंग लिंक थे जो नॉर्थ बिहार को और बिहार को पोर्ट से जोड़ता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स सेंक्शंस हुए हैं, और आज के इस प्रोजेक्ट से आप इस स्लाइड पे अगर देखें तो कोलकाता यानी हल्दिया, फिर धामरा, पैरादीप, फिर विशाखापट्टनम, फिर गंगावरम, इन सब पोर्ट्स के साथ नॉर्थ बिहार की कनेक्टिविटी हो जाती है। तो नॉर्थ बिहार के पूरे एरिया के लिए, पूरे अंचल के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत अच्छा इससे लाभ होगा। लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा गाड़ियां चला सकेंगे और अच्छे समय पे चल सके, खूब अच्छी से अच्छी रेलवे की सुविधा मिल सके, वैसी व्यवस्था इस प्रोजेक्ट से होगी। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी ट्रेन्स हैं, वो ट्रेन्स अगर आप इस वाले स्लाइड पे देखें, नॉर्थ ईस्ट की सारी ट्रेन्स, ज़्यादातर ट्रेन्स अब इस कॉरिडोर से जाएगी, यानी ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन जाएगा। आपको जानकारी है ये कि नॉर्थ ईस्ट के साथ अल्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
नॉर्थ ईस्ट के लिए बनेगा। फिर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो फेमस हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, सीतामढ़ी माँ सीता जी का जन्म स्थान, फिर काठमांडू पास में नेपाल में, नेपाल का जो कैपिटल है वो भी इससे जुड़ता है, मतलब उसकी कनेक्टिविटी एकदम नज़दीक हो जाती है, फिर जनकपुर लुम्बिनी, कई जो इम्पोर्टेंट हमारे सांस्कृतिक केंद्र है वो भी इससे जुड़ते हैं, फिर भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक एक्टिविटी है उसको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। उधर से भाई डिवीज़न से म्यूट कर दें। और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस 256 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में करीब 87 लाख मैंडेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 162 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, 162 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर उसको हम कितने पेड़ के बराबर है समझे अगर, तो ये लाइन बनाना इसका मतलब है करीब करीब 6.5 करोड़ पेड़ उगाना, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोजेक्ट के कारण बचेगी। मैं साथ